नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय करण और प्रीता की मुलाकात होने जा रही है दोस्तों आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी तक इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब देखने को मिलेगा कि किस तरीका से ऋषभ लूथरा, करण लूथरा और पूरे ही लूथरा परिवार से फाइनली आमना सामना होने जा रहा है प्रीता का, क्योंकि ये चीज़ तो इन लोगों ने सोची भी नहीं होगी कि प्रीता से कुछ इस तरीका से हमारा आमना सामना होगा। लेकिन दोस्तों प्रीता की बात की जाए तो प्रीता को कुछ याद नहीं है करण के बारे में, लेकिन दोस्तों करण और ऋषभ दोनों भाइयों ने पहचान लिया है कि ये तो प्रीता ही है। हालांकि दोस्तों सभी लोगों को लग रहा था कि प्रीता तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रीता को सामने देखा तुरंत ही ये लोग चक्का वक्का हो गए और समझने लगे कि आखिरकार ये हो तो हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों कंफ्यूजन की स्थिति कभी भी बन जाती है और फिलहाल वो ही स्थिति बनी हुई है इन लोगों के साथ में, क्योंकि इन लोगों को अभी तक किसी भी तरीका से किसी भी बात का कोई भी पता नहीं है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक और नया मोड़ ले चुकी है, नया मोड़ भी क्या है वो भी आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि निधि अब प्रीता को फिर से रास्ते से हटाने की कोशिश करती हुई नज़र आने वाली हैं, क्योंकि निधि को लगेगा कि ऐसा ना हो कि इस घर में फिर से प्रीता की एंट्री हो जाए। लेकिन अगर इस बार एंट्री हुई प्रीता की तो निधि का इस घर से निकलना नहीं बल्कि पुलिस में गिरफ्तार होना भी निश्चित ही है प्रीता इधर निधि का, क्योंकि दोस्तों प्रीता वाकई में अभी तक शांत हैं, लेकिन जब तक प्रीता शांत है तब तक ही ठीक है, लेकिन जिस दिन वो गर्म हो गई उस दिन निधि क्या लूथरा परिवार भी टक्कर नहीं ले पाएगा, क्योंकि लूथरा परिवार को अभी तो बहुत सजा भुगतनी बाकी है जो प्रीता उसको देकर रहेगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।